नमस्कार, मैं योग गुरु राजेश। आज मैं डायबिटीज़ पर बात कर रहा हूँ। डायबिटीज़ रोग भारत में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हर पांचवा व्यक्ति डायबिटीज़ का शिकार हो रहा है, और इस रोग का जो मुख्य कारण है होने का, वो है तनाव, आलस्य। जब व्यक्ति के जीवन में आलस्य आ जाता है, जब वह तनावपूर्ण जीवन जीने लगता है, शारीरिक श्रम कम हो जाता है और मानसिक तनाव बढ़ने लगता है, तब व्यक्ति डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है। और इस रोग से अब गांव में भी लोग इससे अछूते नहीं हैं। ये पहले शहर के लोगों का रोग था, अब ये गांव तक पहुंच गया है। गांव में भी लोग डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं। मुझे कई बार आश्चर्य होता है जब कुछ गाँव के लोग संपर्क में आते हैं और वो डायबिटीज़ रोग पर उपचार की बात करते हैं, तो मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूं। तो आलस्य का परिणाम है डायबिटीज, ऐसा आयुर्वेद भी मानता है कि डायबिटीज रोग जब होता है व्यक्ति को, तो उसको अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। देखिए, डायबिटीज इतना खतरनाक रोग है कि डायबिटीज होने से किडनी खराब हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, गैंग्रीन हो जाता है, कई बार तो अंग को काटना पड़ता है व्यक्ति के, उसके जीवन को बचाने के लिए उसके अंग भंग करने पड़ते हैं। तो डायबिटीज़ को आप हल्के में मत लें। डायबिटीज़ समय पर चेक करें। जैसे ही आपको लगे कि आपके बार बार आप बहुमूत्रता, बार बार आप पेशाब जाते हैं, बार बार आपके गले में एक शुष्कपन आ जाता है, गला सूखने लगता है, तो आप अपनी डायबिटीज़ ज़रूर चेक कराएं। सबसे पहले, भारत में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि आप डायबिटीज़ को चेक ही नहीं करना चाहते, क्योंकि आप ये समझते हैं कि डायबिटीज़ अगर मैंने चेक किया और कहीं ऊपर नीचे हुआ तो मेरा मीठा बंद हो जाएगा। देखिए, डायबिटीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मीठे खाने से डायबिटीज़ कभी नहीं होती। हाँ, डायबिटीज होने के बाद आप मीठा खाते हैं तो जो आप मीठा, जो शुगर की मात्रा आप लेते हैं, उसका पाचन ठीक से नहीं हो पाता आपके बॉडी में, क्योंकि इंसुलिन आपकी बॉडी में नहीं बन रही है। तो आपको उस समय शुगर को अवॉइड करना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए आपको। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है और आप ये सोचते हैं मीठा खाने से पहले, घबराते हैं कि कहीं मुझे डायबिटीज़ ना हो जाए मीठा खाने से, ऐसा आप बिल्कुल न करें, आप गलत रास्ते पर हैं। आपने यदि देखा होगा, पहले लोग दो दो ढाई ढाई किलो गुड़ खाते थे, शक्कर खाते थे। आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर, आपने यदि अपने बड़ों से बात की होगी तो 2 से 2.5 किलो गुड़ आसानी से वो लोग खा लेते थे, लेकिन कोई डायबिटीज़ नहीं होती थी, क्योंकि वो श्रम करते थे, मेहनत करते थे, दिन भर चलते थे। तो डायबिटीज़ के रोगी सबसे पहले तो वॉक करना शुरू करें, चलना शुरू करें, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर आप हर रोज चलें। दूसरा, अपने दिनचर्या को बदलें, सुबह जल्दी उठें, योग का अभ्यास करें। योग में क्या क्या करेंगे मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कुछ ऐसे अभ्यास योग के जो बहुत इफेक्टिव हैं, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरी बात, जो छोटे छोटे बच्चों को आज डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, कई बार तो पेट से ही बच्चों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, उसका कारण है जो माताएं गर्भावस्था में हानिकारक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, तेज़ एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं कई बार, तो उनसे बच्चों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है गर्भ में ही, और छोटी उम्र में ही वो डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। कई बार जेनेटिकली डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, अनुवांशिक रूप से भी डायबिटीज़ हो जाती है। तो अपने पेनक्रियाज की बीटा सेल्स को आप कैसे हेल्दी करें, कैसे डिजनरेट होती हुई सेल को रिजनरेट करें, इसके लिए मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, 2 आसन और 1 योग का प्राणायाम। प्राणायाम सबसे पहले हम देखते हैं। प्राणायाम में आप बाह्य वृत्ति प्राणायाम, यह महर्षि पतंजलि का बहुत ही फेवरेट प्राणायाम, बहुत लाभकारी प्राणायाम है, और इससे आपका पूरा पाचन तंत्र, आपका पेनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन सब हेल्दी हो जाता है। इसको कैसे करेंगे आप ध्यान से देखें। एक बार श्वास को अंदर भरें, पूरा श्वास बाहर छोड़ेंगे और 3 बंद लगाएंगे इसमें। पहला बंद जालंधर बंद, गर्दन को नीचे की ओर झुकाएंगे,
चिन्ह को कंठ के ऊपर, अधिक नीचे नहीं झुकाएंगे, इस तरह से नहीं करेंगे, केवल इस तरह से। दूसरा बंद उद्यान बंद, पेट को अंदर की ओर खींचेंगे जितना आप खींच सकते हैं, अपने पेट की मांसपेशियों को अंदर को खींचेंगे। तीसरा मूल बंद, अपने मूत्र इंद्रियों को ऊपर की ओर संकुचित कर लेंगे। तो ये तीन बंद हम इसमें लगाएंगे। देखिए एक बार इस प्रकार से करेंगे, बाहर छोड़ा, यथाशक्ति जितना आप रोक सकते हैं अपने श्वास को रोकें, बाहर 5 सेकंड 10 सेकंड अपने क्षमता के अनुसार ही इसे रोकेंगे। धीरे धीरे अभ्यास आप जब करते जाएंगे तो आपके रोकने की श्वास की जो प्रक्रिया है वो बढ़ती जाएगी। तो तीन बंद लगाए हमने, पहला जालंधर बंद, दूसरा उद्यान बंद, तीसरा मूल बंद। बंदों को ठीक प्रकार से लगाएं और जबरदस्ती बिल्कुल ना करें, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना है आपको, इस बात का विशेष ध्यान है। तो इसे बाह्य वृत्ति प्राणायाम, इसमें श्वास को हम बाहर रोकते हैं, तीनों बंद लगाते हैं। तो इस प्राणायाम को आप लगभग 7 बार से प्रारंभ करके और 21 बार तक इसका अभ्यास करें। ये बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है, इससे आपका ध्यान भी बहुत आसानी से लग जाता है, आपका मानसिक तनाव घटने लगेगा, आपकी बॉडी में ऊर्जा का संचार होगा, अंगों में एनर्जी जब फ्लो होगी तो डिजनरेट सेल्स रिजनरेट होने लगती हैं। तो पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को एक्टिवेट करता है ये अभ्यास। दूसरा आप करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन में इस प्रकार से आप वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, घुटनों को मोड़कर, दोनों हाथ सामने, अंगूठे अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों मुट्ठी नाभि के दोनों ओर लगाएंगे इस प्रकार से, नाभि के ही दोनों ओर लगाएं दोनों मुट्ठी, और अंगूठों की साइड से लगाएंगे ऐसे। श्वास को एक बार अंदर भरें, बाहर छोड़ें, सामने की ओर झुकना है और गर्दन सीधी रखना है, नीचे नहीं देखना है, सामने देखना है। पेट को पूरा दबा कर रखें अंदर की ओर, नाभि के दोनों ओर पूरा दबाओ, दृष्टि सामने रहे, लगभग 2.5 से 3 फीट का डिस्टेंस पर आप देखें सामने, फिर धीरे से वापस आ जाए। मंडूकासन, इस अभ्यास को आप कम से कम 10 बार रोज करें, होल्ड अपने क्षमता के अनुसार ही करेंगे, श्वास को नाभि के दोनों ओर दबाव बनाकर रखें। तीसरा अभ्यास आप देखिए, दोनों पैरों को इस प्रकार से मिलाया, हाथ पीछे रखें दंडासन की स्थिति में, अपने राइट पैर को मोड़कर अपने लेफ्ट घुटने के पास ले आए, इस प्रकार से लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाया, श्वास को बाहर छोड़ा और इस हाथ को पकड़ते हुए पीछे की ओर बेंड करें, इसको जो हाथ पीछे है उसी ओर गर्दन को घुमाते हुए कंधे के ऊपर से पीछे की ओर देखें। अब ये घुटना जो है इसको टेढ़ा नहीं करना, ऐसे नहीं करना, अब घुटने का एल्बो से कूनी से दबाओ और कूनी से एल्बो घुटने को बिल्कुल सीधा रखें, इस प्रकार से पीछे की ओर देखें, फिर दूसरे पैर से भी इसी प्रकार करें, इसको ऊपर उठाया, श्वास भरा, अपने राइट हैंड को और पैर को पकड़ें, इस प्रकार से पीछे की ओर देखना है, घुटने को झुकने नहीं देना है, जो घुटना आपने मोड़ा है उसके झुकना नहीं दें, बिल्कुल सीधा रखें। तो आपके लीवर पैनक्रियाज स्प्लीन पर एक दबाव पड़ता है, श्वास को बाहर छोड़ कर रखेंगे पूरा, यदि श्वास नहीं रुके तो धीरे से श्वास लें फिर से बाहर छोड़ें, इस प्रकार से। वक्रासन, यह आपने अभी अभ्यास देखा, वक्रासन, वक्रासन और मंडूकासन, इन दोनों अभ्यासों को आप 10-10 times करें। जितना आप इसको धीरे धीरे अभ्यास करके आप इसको बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपको अधिक लाभ होगा। देखिए योग में बहुत सारी चीजें हैं लेकिन आपके पास समय होना चाहिए उतना और आपके पेशेंस भी होना चाहिए। तो मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा असरदार है। आप इन तीन अभ्यासों को यदि पूरे डेडिकेशन के साथ हर रोज अभ्यास करते हैं तो आप पाएंगे 21 दिन के अंदर, 3 वीक के अंदर ही अपने डायबिटीज़ में एक बहुत बड़ा चेंज, शुगर लेवल आपका कम होने लगेगा, इंसुलिन यदि आप लेते हैं तो उसका लेवल भी धीरे धीरे घटने लगेगा और 3 महीने में पूरी तरह से इंसुलिन मुक्त हो सकते हैं आप।
साथ में योग में जो सन प्रक्षालन एक क्रिया है जिसमें पूरी बॉडी को क्लींजिंग करते हैं हम, तो सन प्रक्षालन आप इसका जरूर अभ्यास करें। सन प्रक्षालन करने से आपकी पूरी कॉलन जो है वो क्लीन हो जाती है, आपका लीवर पेनक्रियाज सब एकदम क्लीन हो जाते हैं, टॉक्सिन्स रहित हो जाते हैं, तो जो गंदगी अंदर जमी है उसको निकालें सबसे पहले। तो सन प्रक्षालन करें, पेट को साफ रखें, उसके लिए आप त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं। रात के समय आप त्रिफला एक चम्मच गर्म पानी में भिगा लें और उसको थोड़ा उबाल कर काढ़ा बना लें, काढ़ा बनाकर सोने से पहले एक घंटा पहले उसको छान कर आप पी लीजिए। तो सुबह भी आप एक चम्मच ले सकते हैं त्रिफला उबाल कर, ऐसे ही काढ़ा बनाकर एक चम्मच रात को। तो इन अभ्यासों करें, सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं आप, वॉक करें। तो ये जो तीन अभ्यास मैंने बताए ये तो आपको करने ही हैं, बाकी इसके अलावा आप जितना आपके पास समय है आप करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, आप डायबिटीज़ से मुक्त होंगे। डायबिटीज़ को केवल क्योर ही नहीं करना हमें, इसको ठीक करना है, और ठीक वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने दिनचर्या को चेंज करे, जो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की क्षमता रखता है, जो कर सकता है वही डायबिटीज़ से मुक्त हो सकता है। नहीं तो डायबिटीज़ को ठीक नहीं किया जा सकता, इसको केवल कंट्रोल रख सकते हैं। कंट्रोल आप एलोपैथी दवाइयाँ खा कर भी रखते हैं लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं, धीरे धीरे आप इंसुलिन पर आ जाते हैं। तो योग करें, एकमात्र यही एक अच्छा उपाय है, अपने आप को एक्टिव रखें, फिट रखें। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए क्या आहार होना चाहिए इस पर हम एक अगली वीडियो बनाएंगे, आपको जल्दी ही देंगे। क्या आप औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जो आयुर्वेद में क्या क्या जड़ी बूटियां हम ले सकते हैं जिससे डायबिटीज़ को ठीक होने में हेल्प मिलेगी आपके, तो इस पर हम एक वीडियो जल्दी बनाएंगे। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।